युक्ताहार विहारस्य युक्तकर्मसु चेष्टितम् युक्तस्वप्ना प्रबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो दृष्टि हमारे ज्ञानियों ने ऋषि मुनियों ने हमको दिया तब हम योग का सही अर्थ समझ सकते। हमारे ज्ञानी लोग हमारे ऋषि मुनियों ने योग का आविष्कार इसलिए किया है कि मनुष्य जीवन का परिपूर्ण आनंद ले सके, सही अर्थ में मनुष्य जीवन को पहचान सके और जान सके। आखिर जीवन है क्या? जीवन में दो धारा चलती है, एक शाश्वत धारा जिसका कभी विनाश नहीं है, जो कभी जन्मता ही नहीं, ऐसा अमर तत्व, और एक धारा है जो नित्य विनाश हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जो बाह्य संसार है, हमारा बाह्य ये जो देह है, ये नित्य परिवर्तनशील हो रहा है, नित्य विनाश की ओर दौड़ रहा है। जब से इसकी सृष्टि हुई है तब से इसकी विनाश की डेट भी लिख दिया है। नित्य परिवर्तन और नित्य विनाश दो धारा चल रही है। আমি আমার মনক সদায় সন্তুলন করে রাখি, যার দ্বারা আমার অন্তরাত্মার বিকাশ হয়। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে মই মোর কর্তব্য নিজের প্রতি পরিয়ালর প্রতি কর্মর প্রতি সমাজ আর বিশ্বর প্রতি শান্তি স্বাস্থ্য আর আনন্দে বজায় রাখা হয়। ধন্যবাদ।